नमस्कार, एनबीसी न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से ब्रज दर्शन को आए श्रद्धालु की गाड़ी में बोलेरो सवार लोगों ने गाड़ी को टक्कर मार दी। बोलेरो सवार गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। मथुरा थाना गोवर्धन अड़िक रोड में शनिवार की सुबह रोड हादसा हुआ है। दिल्ली से ब्रज दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालुओं ने अपनी गाड़ी एशियोस DL8C AB0735 को मां संतोषी स्कूल के समीप खड़ी करके अंदर गाड़ी में बैठे थे कि गोवर्धन से तेज गति में आ रही बोलेरो गाड़ी UP23E3804 ने जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी में अंदर बैठे श्रद्धालुओं को मामूली चोट आई है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। वही बोलेरो सवार सभी लोग गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए थे। वही रोड एक्सीडेंट की सूचना पाकर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस ने गाड़ियों को साइड में कराकर रोड चालू कराया। वही बोलेरो गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। मथुरा के रायबरेली रोड पर भयंकर दर्दनाक हादसा हुआ है। रोड हादसे में 4 लोगों की जान गई है। वही 4 मृतक बदायूं जिला के रहने वाले हैं। मथुरा राया कोतवाली क्षेत्र के मथुरा बरेली रोड पर कोयल फाटक के समीप पीछे से ट्रक में ओमनी कार जा घुसी। घटना शनिवार की सुबह करीब 3 बजे की बताई गई है। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग बदायूं से मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने जा रहे थे और बदायूं के रहने वाले हैं। तभी राया कोतवाली क्षेत्र के कोयल फाटक के समीप कार सवार को झपकी आने की वजह से तेज रफ्तार ओमनी कार ट्रक में जा घुसी। कार की ट्रक में घुसते ही चीख पुकार मच गई और चीखों को सुन आसपास के लोग निकल आए और राहगीरों ने भी रुककर पुलिस को सूचना दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर राया शिव प्रताप ने क्रेन बुलवाकर अवरुद्ध रास्ते को खुलवाया। तो वहीं पुलिस कर्मियों ने घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल और मारे गए लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हादसे में जो 4 लोग मारे गए उनमें बदायूं निवासी एक ही परिवार के 3 लोग रोहित पुत्र प्रभाकर शर्मा, काजल पुत्री प्रभाकर शर्मा, सिमरन पुत्री प्रभाकर शर्मा, सम्राट अशोकनगर निवासी बदायूं के रहने वाले हैं। तो वहीं एक युवक मनीष भजनपुरा जिला बदायूं का रहने वाला है। उधर प्रभाकर शर्मा इनकी पत्नी नीलम व अमरपाल को घायल हालात में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में कार का चालक अमरपाल सिंह पुत्र वासदेव निवासी सम्राट अशोक का रहने वाला है, उसे भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज प्रातः थाना राया फाटक के निकट एक ओमनी वैन एवं ट्रक में परस्पर टक्कर हो गई, जिसके फलस्वरूप 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है और सौ का PM पंचायत भर कर भेजा जा रहा है। बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के कस्बा फरीहा में गरीब को सरकारी आवास न मिलने के कारण वन विभाग के पास खेत पर झोपड़ी में रहने को गरीब का परिवार मजबूर हो गया है। जिला फिरोजाबाद के कस्बा फरीहा में गरीब दर दर की ठोकर खाने को है। मजबूर पीड़ित ने अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई पर कोई हल नहीं निकला। उसको सरकारी पट्टा भी दिया गया, फिर मंजूर होने के बावजूद पट्टा उसका खारिज कर दिया गया, जिससे उस पट्टे पर वह अपनी सरकारी आवास बना सकता था। ना तो उसे सरकारी पट्टा दिया गया ना ही आवास है उसको रहने को, जबकि एक युवक ऐसा भी है परिवार में जिसे आंखों से कुछ दिखता नहीं है। पीड़ित ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उच्च अधिकारियों से मांग की है कि उसके रहने की व्यवस्था सरकारी आवास योजना का लाभ मिल जाए तो उस गरीब पर बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मैं तेजवीर सिंह सनोप श्री जसवीर सिंह फरिया जिला फिरोजाबाद तहसील जसराना का रहने वाला हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों के लिए सभी के लिए आवास दे रहे हैं। वहीं पर हमें आवास न होने के कारण मजबूरन हमें वन विभाग में रहना पड़ रहा है। मेरा एक भाई है 100% विकलांग है, मेरे पास मकान भी था वो भी खस चुका है और अधिकारियों से विनम्र निवेदन करने के बाद मेरी सही जांच की गई, उसके बाद मुझको पट्टा भी दिया गया, फिर वो भी छीन लिया गया, बल्कि फिर मुझे झूठा आश्वासन दिया गया कि हमको दूसरा पट्टा दिया जाएगा। अब दूसरा पट्टा देते देते लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद फिर मैं गया तहसील में और तहसील में जाने के बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
मैं बहुत मजबूर हूँ और योगी आदित्यनाथ से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी विनती सुने। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली के साथ मोनू जैन की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अधिक खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।